मेरा नाम मोहम्मद माजवानी है और मैं पिछले 1 साल से खेल रहा हूँ। मुझे बैटिंग अच्छी लगती है, मुझे बैटर बनना है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मुझे बाबर आजम का कवर ड्राइव अच्छा लगता है। मैं बाबर आजम से नहीं मिला और मुझे उससे बनना है। मैं पेशावर देखता हूँ और मुझे पेशावर जर्मी बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद माजवानी नाम है मेरे बेटे का, 7 साल का है। 1 साल पहले हमें रियलाइज़ हुआ कि बल्कि इनफैक्ट जब ये छोटा ही था तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। तो फिर हम एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे, थोड़ा सा ज़रा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसको किसी एकेडमी में लेके जाएं, कहीं पे जाएं तो ये थोड़ा बहुत ग्रूम हो, आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रूम हो और सर्व कर सके अपने नेशन को। फिज़िकल एक्टिविटी है, एक माइंड इसके अंदर बड़ा शार्प होता है बच्चे का। और आजकल का जो ज़माना चल रहा है, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं या गैजेट से हम अटैच हैं, सोशल मीडिया में गैजेट से ज़्यादा अटैच हैं, तो वो भी एक वजह है कि उसको थोड़ा सा दूर रखना है गैजेट से इस उम्र में। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाके हम उसको ले आए, यहाँ पर ज़्यादा हमने फोकस किया उसको। ज़्यादा अभी भी ये गैजेट्स यूज़ करते हैं जस्ट टू सी के कौन सा क्रिकेटर क्या खेल रहा है, तो मतलब जस्ट टू सी के हाँ भाई, मतलब के जो है ना ये सिर्फ उसको फॉलो कर सके वहाँ पर। जिस तरह इनके जो कोच हैं मिस्टर मुनोवर, उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ देख रहा होता हूँ तो ये खेल रहा होता है। ऑल्दो के जो ना अमंग्स ऑल द चिल्ड्रन ही इज़ द यंगेस्ट वन प्रोबेबली। तो जो है ना यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं बोलते हैं माशाल्लाह ही हैज़ अ टैलेंट, सपोर्ट हिम एज मच एज यू कैन। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट हिम। पेरेंट्स के लिए ये है कि पढ़ाई भी अपनी जगह पे ठीक है, बट एक्टिविटीज़ और जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज। वो ही बच्चे को ग्रूम करती हैं, मतलब मेंटली एंड फिजिकली बोथ। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।